नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बेसिक चीज मीन्स ये चैप्टर से रिलेटेड कुछ नोटेशन फिक्स है जो यहाँ पे हायर ऑर्डर में यूज नहीं होने वाले, बट जब आप लोग फर्स्ट ऑर्डर पढ़ने वाले हो मेथड ऑफ ग्रुपिंग, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, और ये चैप्टर में भी कोई एक आधी क्वेश्चन उस फॉर्म में हो सकता है, तो वो चीज पहले आप लोग समझ लेना। यानी क्वेश्चन में नोटेशन चेंज रहे, जैसे लेट जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, देन देन डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल पी। ठीक है, अभी इसका यूज एक क्वेश्चन में होने वाला है, यानी कहीं पे आ सकते नोटेशन, बट ये पूरे चैप्टर के लिए आपको नोटेशन याद रखने हैं। कौन कौन से नोटेशन, खास करके जब आप लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले उस समय हर क्वेश्चन में नोटेशन का यूज होगा। यहाँ पर मैंने कंसिडर क्या किया, जेड एक फंक्शन है जो कौन से वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई, ये दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स मीन्स होता है स्मॉल पी, डेल जेड अपॉन डेल वाई मीन्स होता है स्मॉल क्यू, उसके बाद डेल स्क्वेयर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर रहा तो उसकी जगह पे होता है आर, डेल स्क्वेयर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई रहा तो इसे बोलोगे स्मॉल यस, और डेल स्क्वेयर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वेयर रहा तो इसे बोलोगे स्मॉल टी। ये इतने नोटेशन आपको याद रखना है। यानी जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, देन डेल जेड अपॉन डेल एक्स मीन स्मॉल पी से डिनोट करोगे, डेल जेड अपॉन डेल वाई मीन स्मॉल क्यू होता है, डेल स्क्वेयर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर मीन स्मॉल आर, डेल स्क्वेयर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई मीन स्मॉल यस, एंड डेल स्क्वेयर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वेयर मीन स्मॉल टी। अब क्वेश्चन में आपको दिया है वैसे फॉर्म में, समझ लेना। ये नोटेशन आपको नहीं भूलना है, इसका खास करके यूज होता है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज मेथड ऑफ ग्रुपिंग एंड मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। क्वेश्चन लिखना, 4r प्लस 12s प्लस 90 सॉल्व 4r प्लस 12s प्लस 90 इज इक्वल टू e रेश्यो पावर 3x माइनस 2y। फिलहाल कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या दिया है, बट समझ लेना। सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी मैंने नोटेशन दिए, याद नहीं होंगे तो देख के भी लिख सकते हो आप लोग। 4 इंटू आर है, आर मीन्स क्या होता है, डेल स्क्वेयर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वेयर। 12 इंटू यस है, यस मीन्स क्या होता है, डेल स्क्वेयर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। और 90 है, टी मीन्स क्या होता है, डेल स्क्वेयर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ई रेश्यो पावर 3x प्लस 2y। बस इतनी एक सिंगल स्टेप आपके लिए नहीं थी। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, क्या एफ ऑफ डी कॉमा डी वन के फॉर्म में लाना है। फिलहाल एफ ऑफ डी कॉमा डी वन लाने के लिए आपको पुट करना पड़ेगा, क्या पुट करना पड़ेगा, डेल अपॉन डेल एक्स की जगह पे कैपिटल डी एंड डेल अपॉन डेल वाई की जगह पे डी वन। डिनोमीटर की तरफ देखना, यहां पे डेल एक्स था तो कैपिटल डी है, डेल एक्स स्क्वायर था तो क्या होगा डी स्क्वायर प्लस, सॉरी जेड छूट गया, डेल एक्स था तो डी, यहां पे जेड नहीं है ना, यहां पे तो जेड है तो जेड एज इट इज प्लस 12। डिनोमीटर में डेल एक्स है, डेल एक्स मीन्स डी, डिनोमीटर में डेल वाई है, डेल वाई मीन्स डी वन, जेड छूट गया था यानी मेन पॉइंट, प्लस 9 इंटू डिनोमीटर में डेल वाई स्क्वायर ही है यानी डी वन स्क्वायर इंटू जेड। राइट हैंड साइड में कोई भी फंक्शन उसे क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, देख भी रहे हो उसमें एक्स और वाई दिख रहा है, सभी में कॉमन है जेड, तो जेड सभी से कॉमन निकालोगे तो 4d स्क्वायर प्लस 12d डी वन प्लस 9d वन स्क्वायर, सभी से जेड कॉमन निकला है इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। सभी से अगर जेड कॉमन निकाल रहे हो तो जेड छोड़ के रिमेनिंग क्या होता है, z छोड़ के रिमेनिंग इसमें दो ही वेरिएबल दिख रहे d और d1, तो f ऑफ d कॉमा d1 इंटू जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ d कॉमा d1 इंटू जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा y। अब इसका फाइनल आंसर मीन पहले cf फाइंड करना है देन pi फाइंड करना है, तो cf के लिए रूट्स पते होने चाहिए और रूट्स मिलेंगे आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन से,
Then auxiliary equation will be f of d comma d1 is equals to 0. तो f of d comma d1 की वैल्यू क्या है? f of d comma d1 की वैल्यू z छोड़ के रिमेनिंग 4d square plus 12d d1 plus 9d1 square is equals to 0. अब ये फिर से सिंगल इक्वेशन है, इसमें दो वेरिएबल है, तो d के जगह पे m पुट करना है और d1 के जगह पे 1 पुट करना है. जहां पे भी d है उसके जगह पे m पुट करे तो 4m square plus 12m plus 9 is equals to 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां से m के लिए रूट्स मिल जाएंगे. रिप्लाई करना, रूट्स क्या मिल रहे हैं? हाँ, कैलसी से रूट फाइंड करके रूट रिप्लाई करना. मेरे ख्याल से -6 -6 सॉल्व करे हो ना रूट. रूट रिप्लाई करना आप लोग. क्यों? -3/2 और -3/2 दो बार. -3/2 और -3/2 ठीक. मैंने -6 -6 रूट क्या मिला आपको? -3/2 -3/2 रूट कैसे? दोनों सेम ही है और साथ में रियल है. इमेजिनरी का तो केस ही नहीं आपके पास, तो कभी इमेजिनरी नहीं मिलने वाले. तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, इसलिए कमेंट करोगी हियर रूट्स आर रियल और साथ ही साथ इक्वल है. तो रियल एंड इक्वल कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं रूट? एक ही टाइम, सिंगल टाइम रिपीट हो रहा है ना. तो सिंगल टाइम रिपीट होना मीन्स x का पावर 1 होना चाहिए. तो सी एफ लिखते समय कैसे लिखोगे? सी एफ इक्वल टू एफ वन, जनरल फॉर्म क्या है? एफ वन इन ब्रैकेट y प्लस फर्स्ट रूट यानी एम वन एक्स. एक बार रिपीट हुआ रूट, इसलिए रूट एक बार रिपीट हुआ इसलिए x. एफ टू इन ब्रैकेट y प्लस एम टू एक्स. एम वन और एम टू की वैल्यू दोनों तो सेम ही है, पुट करना. तो एफ वन y, m1 की वैल्यू निगेटिव इसलिए -3/2 इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू एफ टू वाई -3/2 इंटू एक्स. ये हुआ आपका सीएफ. सेकेंड पार्ट में पी आई सॉल्व करना है, तो नाउ पी आई इक्वल्स टू क्या है? पी आई का जनरल फॉर्मूला 1 अपॉन एफ ऑफ डी कॉमा डी वन इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. तो 1 अपॉन एफ ऑफ डी कॉमा डी वन. तो एफ ऑफ डी कॉमा डी वन की वैल्यू क्या है? ये देखना, z छोड़ के रिमेनिंग f ऑफ d कॉमा d1, या ये भी हो गया आपका f ऑफ d कॉमा d1. तो क्या बना? 4d स्क्वायर प्लस 12d d1 प्लस 9d1 स्क्वायर इनटू f ऑफ x कॉमा y. तो क्वेश्चन की राइट हैंड साइड f ऑफ x कॉमा y e रेशो पावर 3x माइनस 2y. अब फिर से pi की केस फर्स्ट है, क्योंकि e रेशो पावर समथिंग दिख रहा है. तो रिप्लेसमेंट क्या होगी? d इज रिप्लेस बाय x का कोएफिशिएंट यानी 3 एंड d1 इज रिप्लेस बाय y का कोएफिशिएंट यानी -2. तो जहां पे भी d है उसके जगह पे 3 पुट करोगे और d1 के जगह पे -2, तो 4d स्क्वायर है. तो 4 इंटू d यानी 3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू d d1, d मीन्स 3 इंटू d1 मीन्स -2 और 9d1 स्क्वायर, d1 मीन्स -2 और उसका स्क्वायर e रेशो पावर 3x माइनस 2y. तो 1 अपॉन कैलकुलेशन बताना कितना आ रहा है? 0. कितना? 0 आ रहा है. हाँ सर. ठीक है, चेक भी करते हैं. माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 इंटू 4 36, 12 इंटू 3 और माइनस 2 यानी फिर से -72. ये -72, ये +36 और ये +36, 36 प्लस 36 72 और बीच में -72 मिल रहा था, यानी 1 अपॉन 0 e रेशो पावर 3x माइनस 2y. यानी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था आप लोगों ने, डिनोमिनेटर में 0 मिला. अगर डिनोमिनेटर में 0 मिला तो आप लोग कमेंट क्या करोगे? हियर केस इज फेल. फर्स्ट टाइम जीरो मिला इसलिए किससे मल्टीप्लाई करना है? एक्स से मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट टाइम जीरो मिला इसलिए एक्स से मल्टीप्लाई किया इनटू वन अपॉन जीरो से प्रीवियस. यहाँ पे जीरो है ना, तो जीरो से प्रीवियस एफ ऑफ डी कॉमा डी वन. ये है जीरो से प्रीवियस एफ ऑफ डी कॉमा डी वन. तो यहाँ पे क्या करोगे?
उसका ये जो भी जीरो से प्रीवियस एफ ऑफ डी कॉमा डी वन है इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी, तो फोर डी स्क्वेयर का डेरिवेटिव एट डी प्लस 12 डी डी वन का डेरिवेटिव, तो इसमें डी का डेरिवेटिव कितना हो रहा है वन, तो बचा क्या 12 डी वन, इसमें तो कहीं पे भी कैपिटल डी नहीं, तो इसका डेरिवेटिव जीरो, ई रेस टू पावर 3x माइनस 2y, तो x अब देखना इसमें अगेन आपको डी डी वन दिख रहा है इसलिए रिप्लेसमेंट डी इज रिप्लेस बाय x का कोएफिशिएंट है 3 एंड डी वन इज रिप्लेस बाय y का कोएफिशिएंट है माइनस 2, तो x इंटू 1 अपॉन डी इज रिप्लेस बाय 3, तो 8 इंटू 3 प्लस 12 इंटू डी वन की जगह पे माइनस 2 e रेस टू पावर 3x माइनस 2y, तो x इंटू 1 अपॉन 8 इंटू 3 20, समझ लो फिर से केस फेल हो रही है, 8 इंटू 3 24, 12 इंटू माइनस 2 माइनस 24 यानी 0 इंटू e रेस टू पावर 3x माइनस 2y, अभी आपको सेकेंड टाइम 0 मिल रहा है इसलिए कमेंट क्या करोगे अगेन केस इज फेल, अब टोटल दो बार डेरिवेटिव जीरो मिल रहा है इसलिए मल्टीप्लाई, जब आपको फर्स्ट टाइम जीरो मिला था आपने एक्स से मल्टीप्लाई किया, अब सेकेंड टाइम जीरो मिला इसलिए मल्टीप्लाई किससे करोगे एक्स स्क्वायर से इनटू वन अपॉन, जहां पे भी लास्ट टाइम ये जीरो मिला ना, तो ये जीरो से प्रीवियस एफ ऑफ डी कॉमा डी वन, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी, उस समय डी वन कॉन्स्टेंट है, तो एट डी का डेरिवेटिव एट और 12d1 में कैपिटल d नहीं है वो पार्शियल डेरिवेटिव करे तो कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इनटू में क्या e रेस टू पावर 3x माइनस 2y, कहीं पे भी कैपिटल d d1 नहीं है तो यही रहेगा आपका फाइनल आंसर, ये नोटेशन शायद आप लोगों ने नहीं लिखे तो फाइनल आंसर मेरे पास स्पेस नहीं है तो उतना काम आप लोग को करना है, देन जनरल सॉल्यूशन बिकम्स z इक्वल्स टू cf प्लस pi, cf की वैल्यू आपके पास है pi की भी वैल्यू आपके पास है, दोनों की एडिशन लास्ट में करनी है। अरे डी वन माइनस टू के लिए डी वन माइनस टू क्यू, यानी डी वन रिप्लेस बाय माइनस टू क्यू, क्योंकि डी को डी मीन्स क्या होता है डेरिव पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी जो आपका एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है इसलिए डी रिप्लेस किससे हो रहा है एक्स का कोएफिशिएंट यानी 3, और डी वन किसके ऊपर डिपेंड है डी वन मीन्स क्या होता है पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो डी वन को रिप्लेस करते समय वाई का कोएफिशिएंट कितना है माइनस 2 है ना, इसलिए माइनस 2।